आज हम लोग लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे। उसकी डेट क्या थी पेपर की? 18 अगस्त 2021। तो हम आज उसी पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितनी अपनी कैसी तैयारी है। और हाँ, सबसे अच्छी रणनीति वही होती है एग्ज़ाम देने जाने के पहले कि लास्ट ईयर के पेपर पूरे सॉल्व हो जाएं। तो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि क्या थी? 18/8/2021। किसका? कला का। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रणबीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या थी? क्या थी? रणबीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या थी? क्या होगा करेक्ट? मधुशाला, उमर खैयम, बिजूका, अनवांटेड। हमने जो सीरीज़ पढ़ाई है अभी तक 10 लगभग 13 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो उनमें से देखिए कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट हम पढ़ा रहे हैं लास्ट ईयर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। अभी मात्र 13 13 ही चैप्टर हुए हैं, उतने से ही देख लीजिए कितने फंस रहे हैं पेपर में। तो रणबीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी क्या थी? मधुशाला, उमर खैयम, बिजूका, अनवांटेड। क्या थी? आंसर सही हो जाता है अनवांटेड। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो रणबीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या थी? ये थी अनवांटेड। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? बताइए, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? रासीपुरम कृष्ण लक्ष्मण, रासीपुरम केशव लक्ष्मण, रासीपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण, रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। क्या है करेक्ट? तो रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इसका पूरा नाम है। तो क्या है? रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीनामा कब लिखा गया था? तूतीनामा कब लिखा गया था? तो इसका क्या होगा करेक्ट? इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1560 से लेकर 1568 ईस्वी में तूतीनामा लिखा गया था। अब कमेंट पर बताओ तूतीनामा किसके टाइम पर लिखा गया था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई थी? टेम्परा, फ्रेस्को, तैलचित्र, रिलीफ। ये बनाई गई थी फ्रेस्को में। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किसमें बनी थी? फ्रेस्को में बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित की थी? तो महिषासुर चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास, गणेश पाइन। किसने बनाई थी? तैयब मेहता। किसने? तैयब मेहता ने बनाई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट, देवराय, चंदेल, नरसिंहदेव प्रथम। तो किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, नव प्रभाववाद शैली के जनक कौन थे? नव प्रभाववाद शैली के जनक सेजान, मोने, जॉर्ज सोरा जिसको सिवरा भी बोलते हैं, पिशारो। क्या होगा? आंसर सही हो जाता है जॉर्ज सोरा, जिसे हम सिवरा भी बोलते हैं। तो ये नव प्रभाववाद शैली के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? तो 2 मई किसने चित्रित किया था? फ्रांसिस्को गोया, ओजेन देलाक्रा, गुस्ताव कुर्बे, एल ग्रेक्रो। किसने किया था? तो आंसर क्या करेक्ट हो जाता है? आंसर सही होता है फ्रांसिस्को गोया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट आता है समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थॉमस लॉरेंस, टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स, ईस्थर लिंकन। किसने किया था सहानुभूति की अवधारणा को? ये किया था थियोडोर लिप्स ने। किसने किया था? थियोडोर लिप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्रकला को जन्म दिया था? किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया था? किसको किया था? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद। किसको? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है नव शास्त्रीयवाद। तो जॉक्स लुइस डेविस जो थे वो कौन थे? नव शास्त्रीयवाद इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक रंग या फिर जल रंग। कंपनी शैली के जो चित्र थे वो किस में बने थे? तो जल रंग में बने थे। किस में? जल रंग में, वॉश पेंटिंग में। नेक्स्ट है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम के कौन जाना जाता है? इवान एवेजोवेस्की, निकोलस रोरिक, मार्क शेगाल, लिवोन बक्स्ट। क्या है सही? करेक्ट हो जाता है निकोलस रोरिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत किसके गुरु थे? बसावन के, अब्दुल समद, बेहजाद, मंसूर। किसके थे? दसवंत जो थे वो अब्दुल समद के थे। किसके? अब्दुल समद के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते, प्लेटो, हीगल, कांट। तो आन मोनार्की जो है किसका है? दांते का। नेक्स्ट, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट, सैफरन आर्ट किस कौन संचालित करता है? मीनल वाजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास, सुबोध गुप्ता। क्या होगा? कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था जो है वो कौन सी है? सैफरन आर्ट। इसको कौन संचालित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मीनल वजीरानी, वजीरानी। नेक्स्ट, टाइगर इन मूनलाइट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है? टाइगर इन मूनलाइट नाइट, अभी हमने कल ही इसको पढ़ा है तो इसको तो गलत नहीं होना चाहिए। एफ एन सूजा, जोगिन चौधरी, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन। किसने बनाया है इसको? जोगिन चौधरी ने बनाया है। किसने? जोगिन चौधरी ने। नेक्स्ट आता है, मोलाराम एक क्या थे? राजपूत शैली के चित्रकार, जैन शैली के चित्रकार, मुगल शैली के, पहाड़ी शैली के। किसके हैं? तो मोलाराम जो हैं वो किसके हैं? पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, चित्र सूत्र के अध्याय में छह वृद्धि का वर्णन किस में किया गया है? पांचवें में, छठवें में, चौथे में, आठवें में। किस अध्याय में छह वृद्धि का वर्णन किया गया है? किस में? तो पांचवें में किया गया है। पांचवें में छह वृद्धि का चित्रण किया गया है। कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मिले, देगास, मोने, सिसली। क्या होगा? मिले, मिले जो हैं ये प्रभाववादी चित्रकार नहीं हैं, जबकि देगास हैं, मोने हैं, सिसली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, महाबलीपुरम के किनारे, समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेंपल किस राजवंश के काल में बना? महाबलीपुरम के समुद्र के किनारे पर जो मंदिर बना है, शोर टेंपल जिसको कहते हैं, वो किसके काल में बना था?
चालुक्य, पल्लव, पुलकेशिन, शुंग, किसके टाइम पे? इसका सही हो जाता है पल्लवों के टाइम पर बना था। नेक्स्ट, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास, आचार्य मम्मट। तो काव्य प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन है? आचार्य मम्मट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? लियोनार्डो दा विंसी, आदि शंकरा का शंकराचार्य, बेनेडेटो क्रोचे, स्वामी रामतीर्थ। किसने कहा था कला एक सहज ज्ञान है? सही हो जाता है बेनेडेटो क्रोचे। बेनेडेटो क्रोचे ने क्या कहा था? कला एक सहज ज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? उत्तर प्रभाववादी पूछा है। मातिस, सेजान, वानगान, गोंग, कौन है? तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन नहीं है? मातिस। जबकि सेजान, वानगान, गोंग, ये सब उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? हस्तनिर्मित कागज है, कलाकृतियों का नीलामी घर है, तैल चित्रण तकनीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर है। तो क्रिस्टी क्या है? कलाकृतियों का नीलामी घर है। क्या है? कलाकृतियों का नीलामी घर, जहां पर पेंटिंग्स नीलाम होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? रूसो, देगास, डेविड स्मिथ, अगस्त रोंदा, किसकी है? इनमें से काफ़ी क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछली हमने जितनी भी वीडियो पढ़ाई उनमें से जाने कितने क्वेश्चन रखे हैं इसमें, ये भी हमने पढ़ाया द थिंकर। तो किसकी है? अगस्त रोंदा की है। नेक्स्ट, हरिहर लाल मेड़ के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कविता, रंगमंच, वास्तु चित्रण, मूर्तिकला। हरिहर लाल मेड़ जौन है ये वास पेंटिंग से संबंधित हैं। हरिहर लाल मेड़ किससे? वास पेंटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट, बंगाल लोक कला से प्रेरित जैमिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? तीन पुजारिन चित्रण किसका है? यामिनी राय का है। और ये किस माध्यम में है? पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग, टेम्परा, किस में है? तो ये है टेम्परा रंग में। नेक्स्ट, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस। सर्वोच्चवाद रूस में। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? रूस में। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या है? लखनऊ, मुंबई, लाहौर, कोलकाता, क्या होगा? मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या है? लखनऊ है। तृण पर भोज प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? माने, मोने, देगास, रेब्रा। तो ये तृण पर भोज माने की कृति है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित नहीं है? एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित नहीं है। 3 मई, मृत्युशैया, मृत्यु, द किस, क्या है करेक्ट? इसका सही है 3 मई। 3 मई इसका करेक्ट आंसर है। जबकि एडवर्ड मुंच ने क्या क्या बनाया है? मृत्युशैया, मृत्यु, द किस। तो तीनों ये किसकी बनी है? एडवर्ड मुंच की बनी है। नेक्स्ट, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? जीवन का आनंद, स्नान मग्नाए, लेस डिमाई सेलेस डी एविग्नॉन, व्यक्ति गिटार के साथ,
क्या होगा करेक्ट? इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेस डिमाइसलेस डी एविक नॉन। किसने बनाई है? पिकासो ने। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? वीर, हास्य, अद्भुत, शांत। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो अभिनव गुप्त के अनुसार कितने, कौन सा रस, नौवां रस कौन सा है? तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, शांत रस। ये लगभग सबसे बन गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली। फ्रांसिस गोया का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। फ्रांसिस गोया का जन्म स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट है, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बलबीर सिंह कट, लतिका कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पंवार। इसको आज ही कराया है हमने, तो राम किंकर बैज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? सुकरात, बेंटेडो, कोचे, सिगमंड फ्राइड, अरस्तु। किससे संबंधित है? ये संबंधित है अरस्तु से। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट है, अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ हैं? काबुल, रोम, वो स्पेन, कैरो, रोम, कहाँ है? अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं कहाँ हैं? स्पेन, ऑप्शन बी। राणा कुंभा किससे संबंधित थे? मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ से, बूंदी कोटा, बीकानेर। मेवाड़ से। राणा कुंभा जो संबंधित थे वो मेवाड़ से संबंधित थे। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्ज़ापुर, भोपाल, मानिकपुर, होशंगाबाद। तो लखनिया के गुफा चित्र किससे संबंधित हैं? मिर्ज़ापुर। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौन कला समीक्षक नहीं है? केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, बृहेश्वर सेन, कौन है? इसका सही होता है बृहेश्वर सेन। नेक्स्ट, अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया था? अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया था? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला, इन सभी का प्रयोग हुआ है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन डी, इन सभी का प्रयोग हुआ था इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है? किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए क्या सहायक होता है? नेत्रीय, इंद्रिय संवेदना, रस, भाव। तो इसका करेक्ट होता है इंद्रिय संवेदना। ये नेत्रीय गलत है, इंद्रिय संवेदना इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? नागजी पटेल, जयकृष्ण अग्रवाल, एपी गज्जर, जेएम अहिवासी। तो क्या है करेक्ट? इसका सही हो जाता है जयकृष्ण अग्रवाल। जयकृष्ण अग्रवाल इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सैंड्रो बोत्तिसेली, सैंड्रो बोत्तिसेली किस देश से संबंधित हैं? यूक्रेन, इटली, नीदरलैंड, स्पेन। इसका सही हो जाता है, क्या होता है इसका सही होता है? ये इटली से संबंधित हैं। सैंड्रो बोत्तिसेली जो हैं वो इटली से संबंधित हैं। नेक्स्ट, पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? मुगल शैली, कांगड़ा, कांगथा, राजपूत, इससे संबंधित कौन है? कांगड़ा शैली जो है ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, मथुरा वाराणसी और पटना किस काल के महान केंद्रों में से रहे हैं? राष्ट्रकूट, वाकाटक, पल्लव, गुप्त। तो किसके रहे हैं?
इसका सही हो जाता है गुप्त काल से। नेक्स्ट, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की है? बर्निनी, रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। तो पिएटा किसकी है? अभी हमने कल ही पढ़ा है इसको, तो पिएटा किसकी है? माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट, ब्लॉ राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद। किससे? बताइए किससे सही है। तो ये अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं? प्राणनाथ मांगो, के एस कुलकर्णी, एच ए गाड़े, कमल कृष्ण। क्या होगा करेक्ट? इसका सही हो जाता है एच ए गाड़े। नेक्स्ट है, केसीएस पणिक्कर किस चित्रशैली से संबंधित हैं? असेंबलाज कला, लघुत्तम कला, लघु चित्रकला, तंत्र कला। केसीएस पणिक्कर किससे संबंधित हैं? ये तंत्र कला से, जो पणिक्कर हैं वो तंत्र कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? सल्वाडोर डाली, पिकासो, वान गाग, गोंग। इसका सही हो जाता है सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है? माइकल एंजेले, फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी, सर एडविन लुटियंस, ली कार्बुशियर। कौन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? पहली बात तो ये है कहाँ, कमेंट पर छापिए। और इसके जो डिजाइनर हैं कौन है? फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी। ठीक है, नेक्स्ट, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका क्या है? कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा। क्या है? इसका सही हो जाता है समकालीन कला। नेक्स्ट, 54 है, 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन थे? कौन थे बताइए, बताइए। इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सेवकराम, शिवलाल, हुल्लासलाल, जयराम दास। तो ये चार कलाकार किसके हैं? पटना शैली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, कुर्बे, बोत्तिशेली, एल्गेक्रो। किसने बनाया था बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बोत्तिशेली। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसमें हुआ था? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसमें हुआ था? 56। तो इसका हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, विंसेंट वान गॉग के चित्र किससे प्रभावित हैं? आधुनिकतावाद, रोमांसवाद, नवजागरण काल, प्रभाववाद। किससे प्रभावित हैं? तो क्या होगा? आंसर सही हो जाता है प्रभाववाद से। नेक्स्ट, पिकासो का कालखंड कब तक था? पिकासो का टाइम पीरियड पूछा है 1881 से 1973, 1882 से 1963, 1881 से 1955, 1887 से 1927। क्या है सही? इसका सही होता है 1881 से 1973। नेक्स्ट है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन है? बृहद, अनुकत, आधुनिक,
कला कोश, भारतीय चित्रकला, कला विमर्श, मोनालिसा हंस रही थी। क्या है विनोद भारद्वाज की? ये सही हो जाता है। वृहद आधुनिक कला कोश जो है वो किसकी है? विनोद भारद्वाज की है, वृहद आधुनिक कला कोश। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया था बताइए? पी शिवबालन ने, जे स्वामीनाथन, जे सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन। सेम यही क्वेश्चन अभी शायद कल या परसों में ही कराया था। क्या है? सही हो जाता है जे स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। क्या है सही? तो क्या है सही बताइए। क्या होगा? आंसर सही हो जाता है नव प्रभाववाद। नेक्स्ट, एक अच्छे वास चित्रकार कौन थे? सुखवीर सिंह सिंघल, मोहम्मद हनीफ, एस जी श्रीखंडे, मदनलाल गुप्ता। कौन है? तो ये हैं सुखवीर सिंह सिंघल। तो वास चित्रकार कौन है? ये हैं सुखवीर सिंह सिंघल। नेक्स्ट, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग को किसने बनाया था? सबसे पहली बात तो झूलता हुआ बाग कहाँ पर है? बेबीलोनिया में है, बेबीलोन में। और ये कहाँ पर है, किसने बनवाया था? हम्मुराबी, नेबोपोलासर, मुर्शिलिश, नेबुखदनेज्जर। किसने बनवाया था? ये बनवाया था नेबुखदनेज्जर ने। बेबीलोन में जो झूलता हुआ बाग है किसने बनवाया है? नेबुखदनेज्जर। नेक्स्ट, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? सल्वाडोर डाली, आंद्रे ब्रेंतो, मैक्स एर्नस्ट, होन मैरो। किसने? क्या होता है सही? इसका सही हो जाता है आंद्रे ब्रेंतो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? चंदेल, नरसिंहदेव, कलचुरी, शुंग। ये तो लगभग सबसे बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? चंदेल शासकों ने, पंचायतन शैली में। 66 है लास्ट सपर चित्र किसका चित्रण है? एपी गज्जर, ए रामचंद्रन, एम एफ हुसैन, एस एच रजा। तो लास्ट सपर चित्रण किसने किया है? ये किया है एम एफ हुसैन ने। नेक्स्ट है, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्रण किस विश्वविद्यालय में हुआ है? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन स्कूल में। नेक्स्ट है, डैश, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? के एस कुलकर्णी, राय कृष्णदास, राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर संपूर्ण आनंद। तो कौन थे? राज्य ललित कला अकादमी जो है अपने उत्तर प्रदेश की, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर संपूर्ण आनंद। कहाँ पर है ये राज्य ललित कला अकादमी? कमेंट बॉक्स पे छापो। नेक्स्ट है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? नागजी पटेल, कनाई कुन्नी रमन, अर्जुन प्रजापति, अंकित पटेल। तो क्या है करेक्ट? इसका सही है काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए अंकित पटेल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला किस आश्रय में विकसित हुई? शासकों के
धार्मिक स्थलों के, पूंजीपतियों के, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है करेक्ट? ये धार्मिक स्थलों के आश्रय में विकसित हुई थी। कौन सी कला? बाइजेंटाइन। नेक्स्ट है, भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, शमशेर बहादुर सिंह। तो कौन है भारत की चित्रकला, ये हमने आज ही सुबह, आज या कल में ही पढ़ा है। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है? भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु विषय किससे संबंधित है? जहांगीर सबावाला से, एमएफ हुसैन से, एफएन सूजा से, शैयब हैदर अजा से। तो क्या है करेक्ट आंसर 72 का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बिंदु विषय किससे संबंधित है? सैयद हैदर रजा से। ये भी शायद एक दो दिन के पहले ही हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का क्या नाम है? सतीश गुजराल, अंजनी इलामेना मेनन, ए रामचंद्रन, के हैब्बर। तो देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन थे? इसका सही हो जाता है सतीश गुजराल। तो कौन थे? सतीश गुजराल। नेक्स्ट, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आधुनिक से ही पूछे गए हैं, आधुनिक चित्रकला के ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। तो आधुनिक चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो 74 का क्या है आंसर? एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? पॉप कला, अमूर्त कला, नेत्रीय कला, अमेरिकन लोक कला। तो क्या है करेक्ट? इसका सही हो जाता है ये पॉप कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में जो चित्रशाला बनी है इसको किस नाम से जाना जाता है? कक्षा, रंगमहल, कुतुबखाना, अभ्यास कक्ष। क्या सही होता है? चित्रशाला को हम कुतुबखाना के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रशाला को हम क्या कहते हैं? कुतुबखाना कहते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प, सभी तीन प्रकार के। तो क्या है? हाँ, पहुंच जाइए डी नंबर पे। लगाइए लगाइए ऑप्शन डी। क्या होगा इसका? भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? सभी से बनना चाहिए था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सरल हलुआ क्वेश्चन है ये। शैल चित्रों में भीमबेटका कैसी है? प्रागैतिहासिक काल है, और प्रागैतिहासिक काल में क्या बन, किस पर चित्र बने हैं? पत्थरों पर। पत्थर को क्या कहते हैं? शैल। तो शैल चित्रों पे। नेक्स्ट, सिस्टन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? 1508, 1512, 1518, 1564 ईस्वी। क्या है? सही हो जाता है 1512 ईस्वी। नेक्स्ट है, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? जी संतायना, क्रोचे, हर्बर्ट रीड, अरस्तु। कौन है? इसके आंसर सही हो जाता है जी संतायना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? पिशारो, देगास, रेनवार, मोने। क्या है सही? देगास इज करेक्ट आंसर। क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी, देगास। नेक्स्ट है, रेब्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? दृश्य चित्रण की दक्षता के लिए, व्यक्ति चित्रण की दक्षता के लिए, प्रायोगिक कार्यों में दक्षता के लिए, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। तो किसके लिए संबंध, किसके लिए है? तो ये संबंधित है प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सतीश चंद्र एक डैश थे छापाकार, रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार, वॉच चित्रकार। कौन थे? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दृश्य चित्रकार। नेक्स्ट, बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? रूपायन, विरूप,
कलायन शाम्भव क्या है? तो कलायन। नेक्स्ट, एलिफेंटा कहाँ है? पनवेल, ठाणे, रोहा, रायगढ़, कहाँ है एलिफेंटा? कहाँ है? तो ये रायगढ़ में है। कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र के पास। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या होगा, 1975, 1965, 1962, 1972? क्या है करेक्ट? इसका सही हो जाता है 1962 में। कब? 1962 में। नेक्स्ट है भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, किशनगढ़, क्या होगा करेक्ट? 85 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बसोहली शैली में। रसमंजरी किस में है? बसोहली शैली में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपको करवा दिए गए हैं, कुछ ही हैं जो नए क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारे अभी छूटे हुए हैं क्योंकि हमने अभी केवल 13 चैप्टर ही पढ़े हैं। तो उतने में से ही देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं। मैंने जितने 13 चैप्टर अभी तक करवाए हैं उतने से ही पेपर बन रहा है, और जो नए क्वेश्चन हैं वो अभी जो अगले चैप्टर 14, 15, 16 ऐसे करके चैप्टर हैं उनसे मिलेंगे, तो वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो 86 क्या है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है कहाँ? द लुव्र म्यूजियम में, वेटिकन म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, कहाँ पर है? क्या होगा 86 का, क्या हो जाता है ऑप्शन? इसका करेक्ट होता है द लुव्र म्यूजियम। तो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी है, कहाँ पर है? तो ये द लुव्र म्यूजियम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है? रोज पीरियड, ब्लू पीरियड, येलो पीरियड, ग्रीन पीरियड, कैसी है बताइए 87 का। तो बूढ़ा गिटार वादक जो है वो ब्लू पीरियड का है। किसका? ब्लू पीरियड का। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता था? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, किसको जानते थे? 88 का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे शैलेंद्र नाथ डे, ललित मोहन सेन, क्षितिज नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, कौन थे? 89 का क्या होगा बता दीजिए फटाक से। क्या होता है, तो क्या होता है इसका आंसर बताइए? इसका आंसर सही हो जाता है ललित मोहन सेन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छदंत जातक की कहानी है मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, खरगोश की, किसकी है? तो ये हाथी की है। और छदंत जातक की गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 10 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया? राफेल, द्युशांप, डाली, गोया, कब? क्या है करेक्ट? राफेल, किसको? राफेल को। नेक्स्ट, रीति सिद्धांत का प्रतिपादक किस दार्शनिक ने किया? तुलसीदास, आचार्य वाल्मीकि, कबीरदास, आचार्य वामन, किसने किया था बता दीजिए करेक्ट आंसर? क्या होगा, क्या होगा
आंसर सही होता है आचार्य वामन। नेक्स्ट, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूशियर, वी बी दोषी, लुटियंस, पंडित नेहरू। किसने? लुटियंस ने। किसने? लुटियंस ने। नेक्स्ट है 94, केशवदास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में है? कोटा शैली, बूंदी शैली, गुलेर, कांगड़ा। किसमें है? तो ये है कवि प्रिया कांगड़ा में। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, जेरिको, डेलाक्रा। क्या है? तो इसका क्या हो जाता है बताइए? इसका सही हो जाता है ऑप्शन ए, विलियम ब्लैक। क्या होता है? विलियम ब्लैक। नेक्स्ट चलते हैं, पीलू पोचखन वाला किस माध्यम में काम करते थे? पीलू पोचखन वाला कास्ट, पत्थर, कागज़ लुगदी, एल्यूमिनियम एवं पत्थर। किस पर? क्या होता है करेक्ट? सही हो जाता है एल्यूमिनियम एवं पत्थर पर। नेक्स्ट 97, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? बिशन दास, भूषण दास, मधुकर दास, कृष्ण गोपाल दास। कौन था 97 का क्या होगा? बिशन दास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? बद्रीनाथ आर, नलिनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, दिलीप दास गुप्ता। कौन नहीं है? तो क्या है? दिलीप दास गुप्ता नहीं है, जबकि बद्रीनाथ आर्य हैं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, नलिनी कुमार मिश्र हैं, तीनों हैं, ये नहीं है। तो आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची क्या थे बताइए? 99 का क्या है? लियोनार्डो दा विंची क्या थे? तो क्या थे? चित्रकार, वास्तुकार, प्रिंट मेकर, चित्रकार, मूर्तिकार, डॉक्टर, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, ड्राफ्टमैन, चित्रकार, प्रिंट मेकर। ये क्या थे बताइए? क्या थे? आंसर क्या है? ये थे अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्टमैन थे। तो क्या सही होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था? किसको मिला था बताइए? किसको मिला था? सीता देवी, गंगा देवी, जमुना देवी, जगदम्बा देवी। किसको मिला था? क्या हो जाता है आंसर बता दीजिए? आंसर सही हो जाता है जगदम्बा देवी को। किसको? जगदम्बा देवी को मिला था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम स्थित है कहाँ पर? एम्स्टर्डम, वर्सा, पेरिस, बर्लिन। कहाँ पर? क्या होता है सही? तो पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। नेक्स्ट, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, जहाँ पर नहीं दिख जाए वहाँ तुरंत अंडरलाइन करो। जहाँ जैसे हमने अभी किया है, नहीं दिख गया तुरंत अंडरलाइन करो कि नहीं वाला खोजना है। तो कंपनी शैली का चित्रकार कौन नहीं है? बिशन दास, सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास। क्या है करेक्ट आंसर बता दीजिए? 102 बताइए आंसर। इसका सही हो जाता है बिशन दास। कंपनी शैली में बिशन दास नहीं थे। नेक्स्ट, भरहुत ग्राम में स्थित है, किस ग्राम में? भोपाल में। वो जो भरहुत है वो कहाँ है? भोपाल में, कुशीनगर, गया, सतना। क्या होगा? तो जो भरहुत है ये कहाँ पड़ता है? ये सतना में पड़ता है। तो क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गीत किसने लिखा है? प्रसून जोशी, पीयूष पांडे, गुलजार, भीमसेन जोशी। किसने लिखा है? मिले सुर हमारा तुम्हारा, नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये लिखा है
पीयूष पांडे ने, किसने? पीयूष पांडे ने लिखा है मेले सुर मेरा तुम्हारा। प्रसिद्ध पुस्तक किक्रीट ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? फ्रेडरिक हीगल, इमैनुअल कांट, आर्किबाल्ट एलिशन, डेविड ह्यूम। किसने लिखी है किक्रीट ऑफ जजमेंट? किसकी है? तो क्या सही होता है? आंसर हो जाता है इमैनुअल कांट की है। नेक्स्ट, माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी, किस पर बनी है? कैनवास, भित्ति, छत, पत्थर। माइकल एंजिलो द्वारा जो निर्मित है द लास्ट जजमेंट कहाँ बनी है? क्या होता है करेक्ट? सही हो जाता है छत पर बनी है ये। नेक्स्ट, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के चित्रकार कौन है? बंगाल शैली के हैं, कांगड़ा शैली के, कंपनी के, पटना के, तो कौन है? जो गीत गोविंद लिखी है वो कांगड़ा शैली के हैं, और जो केशवदास जी के द्वारा लिखी है कवि प्रिया वो भी किसकी है? वो भी कांगड़ा शैली की है। नेक्स्ट, कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया था? कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया था? विवान सुंदरम, MF हुसैन, अनीस कपूर, तैयब मेहता, किसने? तो 108 का क्या होता है? तैयब मेहता। किसने? तैयब मेहता ने कूडल फिल्म को बनाया था। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है डायना, मर्क्यूरी, हेरा, एक्रोडाइटी। क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट हो जाता है एक्रोडाइटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पतीना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पतीना क्या है? तो पेंट की परत, रासायनिक प्रतिक्रिया, सतह का मार्जन, सतह की धुलाई। क्या है पतीना? तो इसका सही आंसर हो जाता है, क्या होता है पतीना क्या है? ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, इनमें से पेवड़ी होता है क्या होता है? पीला रंग, नारंगी रंग, खड़िया सफ़ेद, काला रंग। पेवड़ी क्या होता है? पेवड़ी कहते हैं पीले कलर को। तो क्या होता है अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आकार, स्वरूप, मेल करना या मुताबिक होना, अवस्था। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आकार, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कलाकार बहोत से जुड़े थे? बहोत से कौन से कलाकार जुड़े थे? फर्डिनांड होल्डर, एडवर्ड मुंच, जेम्स एंसोर, पाल क्ले, तो कौन जुड़े थे? सही हो जाता है पॉल क्ले। पॉल क्ले किससे जुड़े थे? बाहोस से जुड़े थे। नेक्स्ट, लघुचित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम किससे संबंधित हैं? पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, तो सेवक राम किससे संबंधित हैं? सेवक राम पटना शैली से हैं। नेक्स्ट, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय किया गया? चोल, चंदेल, सुंग, भल्लव, तो ये कहाँ है? एमपी में पढ़ते हैं, खजुराहो में, तो ये चंदेलों ने ही बनवाया होगा। तो क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र किसने बनाया है? अकबर पदमसी, रामेश्वर ब्रूटा, मनजीत बावा, सतीश गुजराल, किसने बनाया है? क्या होता है करेक्ट? तो ऑप्शन सही हो जाता है सी, मनजीत बावा ने बनाया है डेथ ऑफ कृष्ण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? कमल कृष्ण, सतीश गुजराल, रामकुमार देवयानी, कृष्ण। क्या है सही? सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
कमल कृष्ण करेक्ट हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समीक्षावाद कला समूह से कौन जुड़ा है? रामकुमार, एमएफ हुसैन, कृष्ण रेड्डी, रामचंद शुक्ल। क्या होगा करेक्ट? सही हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट पर चलते हैं। चित्रित ग्रंथ तूती नामा की विषय वस्तु है तोते की प्रेम कथा, शहजादी की प्रेम कथा, सलीम और अनारकली की प्रेम कथा, राधा कृष्ण की प्रेम कथा। क्या है करेक्ट? तूती नामा की विषय वस्तु क्या है? इसका सही हो जाता है ऑप्शन ए, तोते की प्रेम कथा। नेक्स्ट, सिस्टन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किसने किया था? रेब्रा एवं माइकल एंजिलो, पिएट मोद्रिया, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो। तो सिस्टन चैपल गिरजाघर का छत पर किसने किया था, बता दीजिए फटाक से, किसने किया था? माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी डैस किसने तैयार किया था? अमित कुमार हल्दार, असित कुमार हल्दार, ईवी हैवल, नंदलाल बोस, शारदा मेनन, शारदा उकील। बताइए क्या होता है सही, इसका क्या होगा? नंदलाल बोस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? जयपुर, दिल्ली, शांति निकेतन, बड़ौदा। किससे? सही हो जाता है बड़ौदा से। देखिए, मैंने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उनको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना, तो पूरे पूरे उन्हीं प्रैक्टिस सेट से रखे गए हैं। तो अब नेक्स्ट आता है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र क्या है? पहाड़ी चित्रकला का निर्माण कहाँ क्षेत्र क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और आगे जितने भी करवाएंगे, जितने अभी करवाए हैं और जितने आगे करवाएंगे, इनको पूरा रटा होना चाहिए आपको। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, और जब हम 100% में से 99% पूरा पढ़ लेंगे, तो समझ लीजिए कि पेपर बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। तो मैं जितना प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ, उसका हर एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। और आप आज देख भी रहे हैं कि जो लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें से अभी हमने केवल ज़्यादा नहीं किए हैं, मात्र 13 चैप्टर से ही कितने क्वेश्चन फंस गए हैं। अब आप इतने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से फंसने हैं, कहाँ से आते हैं। तो बस अब आपको तय करना है कि आपको कैसा क्या पढ़ना है। तो पढ़िए वहीं से जहाँ से पेपर में फंसे। तो पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र क्या है, बताइए आंसर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं देगा तो पंजाब दे देगा, अगर हिमाचल प्रदेश नहीं देगा तो पंजाब दे, क्या हो रहा है, लिख ही नहीं रहा ये तो। हाँ, अरे हाँ, अगर उसने हिमाचल प्रदेश नहीं दिया तो वो पंजाब भी दे सकता है। तो इसका दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 124, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? प्रागैतिहासिक, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली, बंगाल शैली। तो क्या है राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत? सही हो जाता है अपभ्रंश शैली, ठीक है। नेक्स्ट, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? सतीश गुजराल, एनएस बेंद्रे, के हब्बर, बीसी शान्याल। कौन है बताइए आंसर? तो इसका करेक्ट हो जाता है बीसी शान्याल, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा जो आज, हाँ तो आज ये यहाँ से हमारा जो है आज ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। हम एक काम करेंगे, हम अपने टेलीग्राम लिंक में, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपनी टेलीग्राम लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उसमें टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा। और टेलीग्राम की लिंक हम कहाँ शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे कर देंगे, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और इसकी PDF हम उसमें अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो आप उससे एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा इसका, ठीक है। और हम आपसे फिर भी बार बार कहेंगे कि जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है, जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है उसको आप ज़रूर देख लें। और जिन्होंने अभी तक हमारा प्रैक्टिस सेट देखा है वो हमें कमेंट बॉक्स पर नीचे बता दीजिएगा कि क्या वहाँ से प्रश्न नहीं आए इस जो पेपर, ये जो लास्ट ईयर का पेपर है, इसमें हमारे प्रैक्टिस सेट से क्या क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं। मेरा उद्देश्य, मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ही सही है, आपको जहाँ पढ़ना है आप पढ़िए, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हम केवल आपको बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में पछताने को मत रखने दीजिएगा कि अगर हमने पढ़ लिया होता तो आज हमारे बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबको ही पढ़ा रहा है, सबको ही अच्छा पढ़ाता है, कोई डाउट नहीं है, बस हम ये कह रहे हैं कि कल को पछताने को नहीं हो कि अगर हमने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया होता तो हमारे भी अच्छे नंबर आ जाते, ठीक है। तो बस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, ये जितने भी पेपर हैं मेरे पास, पिछले जितने भी पेपर हैं और जिसमें भी मतलब ये वाली आर्ट आती है, तो हम वहाँ के सारे पेपर आप तक पहुँचा देंगे, ऐसे ही एक दो दिन के अंतराल में, डेली एक दो दिन के अंतराल में हम पेपर करवा दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।